वेल इट्स प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द फैक्ट आई में। आज हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, डायरेक्ट उनसे जान रहे हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि मीडिया में ये दिखाया गया था कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है। हम किसी सूत्रों के हवाले से खबर नहीं देंगे, लोगों से डायरेक्ट बातचीत करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, और देखेंगे जानेंगे कि क्या बदलाव आया जब बाबा जी यहाँ पे थे, समाज में थे, और अब वो नहीं है, तो इतने समय में क्या अंतर आया है, क्या बदलाव आया है, लोगों से जानेंगे, लोगों से बातचीत करके। तो हमारे साथ एक यूथ, एक वेल एजुकेटेड हमारे साथ नौजवान जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? करनाल, यानी कि हरियाणा के रहने वाले हैं। सुशील जी, क्वालिफिकेशन क्या है आप? ग्रेजुएशन आपने की है, वेल एजुकेटेड हो आप, तो कितने सालों से आप डेयरी से जुड़े हो? डेयरी से 15 साल से जुड़ा हूँ। 15 सालों से आप डेयरी से जुड़े हो, लगातार आ रहे हो? लगातार आ रहा हूँ। जब से पिताजी समाज में नहीं है, तब से भी साथ संगत बढ़ती जा रही है, कम नहीं हुई है। और जैसे मीडिया ने दिखाया कि भी गुरु जी ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया भी काबू है। और जैसे यहाँ पे हर धर्म, हर जात, हर कोई एक है, इसलिए मीडिया ने, सरकार ने ये सोचा कि भी क्यों ना इसको अलग किया जाए, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो सरकार है, सरकारी हैं, सोचती हैं भाई यहाँ एक हो रहे हैं, और सरकार चाहती है एक ना हो, हर धर्म एक होता है यहाँ पर, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब एक हैं, सब एक जगह बैठते, एक जगह लंगर खाते हैं, एक जगह पीते हैं, तो सरकार क्या क्यों चाहेगी कि हम ये सब एक जगह बैठे। तो इस वजह से गुरुजी के इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए गए, पिता समाज में नहीं है, तब से भी साथ संगत बढ़ती जा रही है, कोई कमी नहीं हुई है। वो जिन्होंने नाम नहीं ले रखा वो भी आए हुए हैं, क्यों कहते हैं भी पिताजी आएंगे तो नाम देंगे, कोई कमी नहीं हुई है, हमें बढ़ती जा रही है साथ संगत। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो बातें हैं सरकारें, मीडिया बिकाऊ है, जो कह रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है। जो सोच रहे हैं यहाँ के, देखो सब माता बहने कितनी सेफ हैं। मैंने ये देखा है 15 साल में, और कहीं भी माता बहने सेफ नहीं। हम देख रहे हैं समाज में इतने रेप हो रहे हैं, लेकिन यहाँ डेरे में हर कोई माता बहने यही, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते, और एक जगह खाते हैं, बैठते हैं, ऐसा कोई गलत काम नहीं होता, बहुत बढ़िया है यहाँ। मैंने जैसे हम पहले थे तो मतलब गलत ख्याल, यहाँ आने के बाद मन में तो गलत ख्याल आता ही नहीं है, हम माँ बहने यही चीज़ बोलते हैं, और यहाँ जितना सेफ है माता बहने कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आके ना हर कोई ये सोचता नहीं यार यहाँ ये पाप लगता है यहाँ आने के बाद भी, ये चीज़ तो पाप है, बट हम एक दूसरे को माता बहने समझते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पर वहाँ जैसे समाज ने गलत विचार रखे हुए, बाबा जी ऐसे करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ के देखो समझो भी क्या है, यहाँ आएंगे तो पता चलेगा, दूर से कोई कहते उनकी सुनने पे करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत गलत है। किस तरह की शिक्षा आपको डेरा सच्चा सौदा में दी जाती है? डेरा सच्चा सौदा में शिक्षा ये दी जाती है, डेरे में के अंदर भी हमें सेवा करनी है, जीव की सेवा हो, जो निर्जीव हो, कोई भी उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे जानवर है पड़े रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है उनको कर्ज, जैसे गाय हैं, लेकिन गाय के लिए डेरा सच्चा सौदा ने उनके ऊपर लाइटें लगाई हैं ताकि वो सेफ हो जाएं, एक्सीडेंट से बचे। डेरा सच्चा सौदा ने एक शुरू किया, जैसे सफाई अभियान शुरू किए दिल्ली में, किए पता नहीं कहाँ कहाँ सफाई अभियान किए, अब कौन करता है, कोई नहीं करता। ब्लड डोनेशन कैंप चलाए, आर्मी के लिए ब्लड दिया, हर चीज़ की डेरा कौन करता है, ऐसा किसी संस्था ने किया। यहाँ हर धर्म का, हर जात का, हर एक है, कोई फर्क नहीं है किसी में, हर कोई एक रहता है यहाँ पे। इनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा इतने मान्यता भलाई के कार्य कर रहा है, ये एक ऐसी संस्था है जो मानता बधाई के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। देखिए इन्होंने हमें काफी सारी चीजें बताई, हम डायरेक्ट लोगों से बातचीत कर रहे हैं, डायरेक्ट उनसे जान रहे हैं, कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, लोगों से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि डेरा में लगातार जैसे लोग आते थे वैसे ही आ रहे हैं, ये लगातार डेरे से जुड़े हुए हैं, मानवता भलाई के कार्य, हमेशा डेरे से अच्छी शिक्षा मिली थी, कभी भी ये नहीं सिखाया गया, कभी भी कोई बुराई यहाँ पे नहीं सिखाई जाती थी। दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, औरों के बारे में सोचना, ब्लड डोनेशन करना, प्लांट ट्रीटमेंट करना, ये सारे कार्य डेरे में सिखाए जाते थे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।